माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हैदराबाद के इस पार्लियामेंट क्षेत्र में, लाल दरवाजे के प्रांगण में, सिम्बा वाहिनी के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की जो सभा, जो हिंदुओं की जो गूंज गूंजेगी, आज सिर्फ ओल सिटी नहीं, ओल सिटी में बसे हुए इन गद्दारों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो आने वाला समय और वोटर डिसाइड करेगा। लेकिन आज पुराने शहर के वोटरों को, आज मैं राजा सिंह ये कहने आया हूं, तुम्हें विकास चाहिए या लुटेरे चाहिए ये ओल सिटी की जनता को डिसाइड करने की आवश्यकता है। 6 साल का इन टीआरएस का राज्य और कई सालों से इन एमआईएम को राज्य, आज पुराना शहर जो परिस्थिति में पहले था आज भी वही परिस्थिति में है। तो मैं हमारे पुराने शहर के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग चेंजेस चाहोगे या चेंजेस नहीं चाहोगे? बदलाव आना है ना तेलंगाना में, पुराने शहर में बदलाव आना है ना, म्युनिसिपल ग्रेटर हैदराबाद में बदलाव अगर आना है तो हर वोटर को यह सोचने समझने की आवश्यकता है। जो सबका साथ सबका विकास जो सोच रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। ये सोच हर वो वोटर को, हर वो वोटर में आने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बाप और बेटा, यानी तेलंगाना में किसकी सरकार है अगर पूछेंगे तो टीआरएस की सरकार, यानी सरकार कौन चला रहे हैं, बाप और बेटा। अगर कहीं होर्डिंग देखेंगे तो बाप बेटे की फोटो दिखेगी, अरे यहां तक तो टॉयलेट का अगर देखेंगे तो टॉयलेट के बाहर भी बाप और बेटे की फोटो दिखेगी। आने वाले समय में जहां जहां पर कचरा कुंडी रहेगी वहां पर भी ये बाप बेटे की फोटो दिखेगी और वह समय भारतीय जनता पार्टी लाएगी। आज मैं सभी भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि आज म्युनिसिपल ग्रेटर हैदराबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज म्युनिसिपल ग्रेटर हैदराबाद की जनता ये सोच रही है कि हमें इन गद्दारों का मेयर, ये लुटेरों का मेयर नहीं चाहिए, हमें तो निस्वार्थ भाव से जो विकास की राह पर बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का मेयर चाहिए। ये मैं नहीं, ग्रेटर हैदराबाद की जनता कह रही है। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है? अरे आपके विश्वास में ही तो दम है, और आप नहीं तो हम नहीं, आपके आशीर्वाद से तो हम यहां तक पहुंचे हैं। बस यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ ये पुराने शहर का एक डाइपर मैन है, ये डाइपर मैन ये कहता है कि किसी में हिम्मत नहीं जो ओल्ड सिटी में आ जाए। तो वो डाइपर मैन को मैं ये कहना चाहूंगा कि देख तेरा बाप योगी आ रहा है, तेरा बाप योगी आ रहा है, तेरे में दम है तो रोक कर देख ले। अरे तूने तो बहुत प्रयत्न किया था डीजीपी के पास, तेरे टट्टुओं को, तेरे टीआरएस के टट्टुओं को तूने कंप्लेंट देकर भिजाया था कि बीजेपी वाले कम्युनल वायलेंस पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे बीजेपी वाले कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं रखते, बीजेपी वाली सोच रखते हैं तो आतंकवाद के खात्मे की सोच रखते हैं। अरे जिस दिन भी अगर हमारी फिर गई तो पुराने शहर में जितने भी जो आतंकवादी कुत्ते छुपे हैं ढूंढ ढूंढ कर उनको उड़ाएंगे हम, ढूंढ ढूंढ कर। अरे फिक्र मत कर, हर वो व्यक्ति का समय आता है, अब तेरा बुरा समय चालू हो गया है, अब तेरा बुरा समय चालू हो गया है। तू बार बार कहता है कि हमने बहुत विकास किया है पुराने शहर में, हमने बहुत विकास किया है। अरे तुम्हारा विकास आज हिंदू नहीं मुसलमान भी देख चुका है।
थोड़ी सी बरसात क्या हुई, पुराने शहर के कई बस्तियां डूब गए। उस्मान नगर आज भी डूबा हुआ है। हिंदू के साथ साथ आज मुसलमान भी परेशान है। मैं मुसलमान मेरे भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा, राजा सिंह मेरे मुसलमान भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि अगर सचमुच में तुम्हें विकास चाहिए तो आइए, हाथ हम दो हाथ हम आगे बढ़ाते हैं, सबका साथ सबका विकास सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। ये जो मुसलमानों के नाम पर जो आज तक इनका बाप उसके बाद में बेटा और इनके बाद में इनके बेटे जो मुसलमानों पर जो राजनीति करेंगे, इनकी राजनीति जब तक तो मुसलमान इनकी राजनीति खत्म नहीं करेंगे तब तक मुसलमान डेवलप नहीं होगा, ना ही इनका क्षेत्र डेवलप होगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, यही चंद्रायन गुट्टे से, यही चंद्रायन गुट्टे से कई मुस्लिम महिलाओं को बेचा गया, दुबई में बेचा गया, सऊदी में बेचा गया, अरब देशों में बेचा गया, कोई हिंदू को नहीं बेचा गया, हमारी मुसलमान बहन बेटियों को बेचा गया। वो समय पर कहां तुम चुपके और बैठे थे? वो समय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि चाहे कोई भी हो, वो हमारे भारत की बेटी है, वो हमारे तेलंगाना की बेटी है, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। वो समय पर हमने आवाज उठाई थी, तभी कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ और कुछ लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन आज जो मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का जो प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को चेहरे को पहचाने। मैं मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चेहरा पहचाने और इनका बहिष्कार करे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जहां जहां पर एमआईएम का पार्षद वोट मांगने जा रहा है तो मुसलमान महिलाएं चप्पल बता रही है, चप्पल बता बता के भगा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विकास के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया, 10,000 रुपए के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया। जो बरसात हुई, जिन जिन को लाश हुआ, 10,000 रुपए देने की एक स्कीम चालू हुई, यानी गरीब लोगों की भलाई के लिए ही एमआईएम के नेताओं की जेबक भरने के लिए और टीआरएस के नेताओं की जेबक भरने के लिए वो स्कीम चालू की गई। कहीं पर भी गरीब औरत के घर जाते थे, उसका आधार कार्ड लेते थे, ये ले 5,000 मेरा कमीशन, ये ले 2,000 8,000 मेरा कमीशन बोलकर टीआरएस और एमआईएम के लोग हजारों नहीं 100 करोड़ रुपए लोग कमा लिए। आज ये मुसलमानों को सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे न्याय और तुम्हारे इंसाफ के लिए कौन लड़ रहा है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए आज तुम्हारे ऊपर कौन सी पार्टी बैठी हुई है। ये आज के मुसलमान को सोचने की आवश्यकता है। और कल उसकी एक स्पीच देख रहा था कि मैंने सिम्बा वाहिनी को 10 करोड़ रुपए दिलवाया है। क्या तेरे बाप के 10 करोड़ रुपए है वो? क्या तेरे बाप के 10 करोड़ रुपए है वो? अरे सिम्बा वाहिनी, हमारी महाकाली माता मंदिर, कुछ लोग, एक षड्यंत्र किया गया। अरे यही वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जो 15 मिनट समय दिए तो 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म करने वाला ये गद्दार आज सेक्युलरिज्म बताने का प्रयत्न किया गया। और केसीआर एमआईएम मिलकर, क्योंकि केसीआर तो बदनाम हो रहा है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये वो गद्दारों से मिला हुआ है जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करता है, ये केसीआर वो गद्दारों से मिला हुआ है। तो वो चीज को पैच करने के लिए 10 करोड़ रुपए वो मंदिर को दिए गए। अरे तुम्हारी भीख जरूरत नहीं है, वॉल सिटी का एक एक कार्यकर्ता अगर 100-100 रुपए दा दे तो 100 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं उस मंदिर के निर्माण के लिए। अरे ये वही गद्दार ओवैसी है जिसने कहा था कि लाल दरवाजे को हरा कर दूंगा, कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना। अरे तू क्या, तेरा बाप क्या, तेरी जितने भी पुश्ते हैं, लाल दरवाजे को हरा नहीं कर सकती। लाल दरवाजे को हरा करने में किसी में हिम्मत नहीं है, और ये सिर्फ कुछ लोगों को जमा करता है और भाषण देता है, लोगों को भड़काने का प्रयत्न करता है। आज मैं पुराने शहर की जनता को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें विकास चाहिए तो आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाइए।
नहीं, आपका बेटा वही पंचर बनाने वाला होगा, आपका बेटा वही ऑटो चलाने वाला होगा, आपका बेटा वही गंदे काम करने वाला अगर होना है तो MIM आप लोग चूज कर सकते हैं। नहीं, हमारा बेटा कल को इंजीनियर बने, हमारा बेटा कल को डॉक्टर बने, हमारा बेटा हमारे परिवार का नाम करे, अगर ऐसी सोच वाला अगर कोई मुसलमान है तो आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ हम आगे फैलाते हैं, आइए हमारे साथ। आज 150 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए हैं, जहां जहां पर ये MIM का पार्षद है वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कमर कस के लड़ रहा है। हमारे कॉर्पोरेटर हमारे कैंडिडेट को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन इन गद्दारों को मैं कहना चाहूंगा, ये वो पार्टी है बेटा डरती नहीं दुश्मन को डराती है। अरे हमारा एक शेर तुम्हारे 100 कुत्तों पर भारी है, ये बात ध्यान रखना। MIM के गद्दारों को मैं कहना चाहूंगा, अरे ओवैसी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बौखला गए, उनको बिरयानी खिलाने की आवश्यकता है। वो कहता है कि हमें बिरयानी खिलाएगा तो चल मैं तुझे ऑफर देता हूं, मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बंधु बहुत ज्यादा संख्या में है, अरे क्या जबरदस्त बिरयानी बनाते, एक बार आकर वो टेस्ट कर ले, तुझे उसका भी टेस्ट हम करवा देंगे। हमसे ना लड़, अगर तू बातों से मुकाबला करेगा तो हम तैयार है, अगर तू हाथों से मुकाबला करेगा भी तो हम तैयार है। आज पूरे तेलंगाना में, पूरे म्युनिसिपल ग्रेटर हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की लहर गूंज रही है, और आने वाला समय यानी कल का लास्ट दिन प्रचार है, 1 तारीख के दिन हर बूथ में हर वो कार्यकर्ता एक सैनिक का रूप लेकर अपने अपने बूथ को संभालना है। मेरे भाइयों, आप अगर आपका बूथ जीत लिए तो समझो भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने के लिए कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, ये बात आप ध्यान रखना मेरे भाइयों। अरे ये वही ओवैसी है जो कहता था कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, ये वही ओवैसी है लेकिन आज मोदी जी के डर से भारत का झंडा पकड़ रहा है। अरे जिस दिन भी भाग्यनगर में, जिस दिन भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यही ओवैसी भगवा पकड़ के बोलेगा जय श्री राम, यही ओवैसी बोलेगा, क्योंकि ये वो नस्ल के है ये लोग, जो मुख्यमंत्री बनता है उसके पैर पकड़ना इनकी फितरत में है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना उसके पैर इन्होंने पकड़ा, TDP का मुख्यमंत्री बना उसके पैर इन्होंने पकड़ा, आज KCR यानी TRS का मुख्यमंत्री है तो उसके पैर पकड़ लिए लोग। इनका उद्देश्य है सरकारी लैंडों को कब्जा करना, करोड़ों रुपए कमाना, मुसलमानों को धोखा देकर राजनीति करना और अपने परिवार को ताकतवर बनाना, यही इनका उद्देश्य है। ये मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है, कब तक बेवकूफ बनकर रहोगे पुराने शहर के मुसलमानों, आज चेंज की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है, बहुत सारे वक्ताएं हैं, बस यही कहूंगा आने वाले समय में कि आपके हाथ में है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूत करना। पुराने शहर को आप जीत लो, सारी दुनिया को हम जीत लेंगे। बस आपसे बस निवेदन है, बाकी के हमारे छोटे साले भाई बड़े साले भाई के टेंशन मत लो, उनको हम है हम देख लेंगे, बस आप अपना बूथ देखिए। धन्यवाद, जय सियाराम। धन्यवाद भाई राजा जी। भाइयों, कुछ ही देर में योगी जी अपने बीच आने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सूचना देता हूं। कल सवेरे 10 बजे और एक हिंदू हृदय सम्राट भाई अमित शाह जी चारमीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।